असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर साहिवाल आर्ट्स कौंसिल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद अकील अशफाक तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जबकि डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद सलीम कैसर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट डॉक्टर इफ्तिखार शफी और प्रिंसिपल रॉयल अकेडमी इरफान साजिद समेत तलबा तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद अकील अशफाक ने कहा कि कौमों की तरक्की असातिज़ा की मेहनत से मरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि उस्ताद ना सिर्फ अपने तालबे इल्मों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करता है बल्कि इनकी किरदार साजी में भी अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा उस्ताद अपने तालबे इल्मों की शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब करता है। डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसिल कैसर सलीम ने कहा कि किसी भी माशरे को परवान चढ़ाने में टीचर का कलीदी किरदार होता है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा कौम के मेमार और कीमती असासा हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी माशरा मयारी तालीम सहूलियात के बगैर तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उस्ताद रूहानी बाप होता है और अपने शागिर्दों की तालीम और तरबियत अपनी औलाद की तरह करता है। यही वजह है कि उस्ताद का दुनिया के हर खत्ते में दिल से एहतराम किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो कौमें अपने असातिज़ा को बुलंद मकाम देती हैं वो बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। डॉक्टर इफ्तिखार शफी ने कहा कि जिंदा और अजीम कौमें अपने असातिज़ा को बुलंद मकाम और मर्तबा देती हैं। उन्होंने कहा कि उस्ताद हर दौर में अजीम रहा है और लोग दिल से अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं। प्रिंसिपल रॉयल अकेडमी इरफान साजिद ने कहा कि उस्ताद को माशरे में रूहानी वालदेन का दर्जा हासिल है और इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालदेन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वालदेन के बाद अगर किसी भी पर बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो मुअल्लिम यकीनी उस्ताद है। मिस इशरत ने कहा कि सारी दुनिया उस्ताद की तकरीम करती है, ये वो शोबा है जिससे सबसे ज़्यादा एहतराम किया जाता है।